तो दादा आपको कैसे लग रहा है 2,200 आदमी लोग इधर में है? मैं पहले सोच रहा था कि किस में बात करूं, बंगाली में कि हिंदी में, बट लेकिन मुझे बताया गया कि भारत के हर जगह से यहाँ पे लोग आए हैं। मैं पिछली बार दिल्ली में गया था, दिल्ली में भी मैंने इतने सारे लोग देखे थे, वहाँ पे ऐसे ही डीलर मीट था। तो 1-1.5 साल बाद फिर आप लोगों के साथ मिला हूँ और मैं सुब्रत से पूछ रहा था कि ब्रांड कैसे आगे बढ़ा, ब्रांड का सिचुएशन कितना अच्छा है अभी इस समय। तो वो बोल रहे थे कि पहले से बहुत आगे बढ़ा है पंजाब, जो है हमारा नॉर्थ इंडिया वो सबसे आगे है इस समय, पंजाब, फिर ईस्ट इंडिया फोर्थ, पंजाब, उसके बाद यूपी के बाद बिहार, पंजाब, यूपी, बिहार, और उसके बाद ईस्टर्न इंडिया, उसके बाद हरियाणा है, महाराष्ट्र बहुत पहले था लेकिन थोड़ा सा कोविड के लिए पीछे चला गया है। तो मैंने सुब्रतों को कहा कि कोई मसला नहीं, आगे फिर बढ़ेंगे। आप लोगों से साल में या 1.5 साल में एक ही बार मिलने को होता है, तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बधाइयाँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये ब्रांड आप लोगों का है, मैं तो इसका फेस हूँ, सुब्रत तो इनका ओनर है, बट लेकिन ये इस ब्रांड को आप ही आगे लेके जाते हैं। तो आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। टारगेट सेट करते हैं सुब्रत, तो मैंने उनसे पूछ रहा था कि अगला साल का टारगेट कितना है, तो उसी टारगेट को लेके आप काम करें। मैं बहुत बड़े बड़े कंपनियों की एक आधा डीलर्स मीट में भी जाता हूँ और देखता हूँ उनकी जो डीलर्स है उनकी एक्साइटमेंट, उनका जोश, उनका काम करने का तरीका। आशा करेंगे कि सुब्रतों की लीडरशिप में आप लोग भी उस तरीके से इस ब्रांड को आगे लेके जाएंगे। मैंने सुब्रतों को कहा कि थोड़ा सा विजिबिलिटी ज़रूरी है, क्योंकि एक बात है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो थोड़ा सा ब्रांड को विजिबल करें। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं डिजिटल मीडिया में इनका एडवर्टाइजमेंट करता हूँ मैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि समय के साथ धीरे धीरे ये ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, ये विजिबिलिटी भी आगे बढ़ेगा। तो मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, नया साल है, नए साल की आपकी आपको और आपके परिवार के सब सदस्यों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पर्सनली आपके नए साल अच्छे जाएं और प्रोफेशनली भी आपके नए साल अच्छे जाएं। तो सुब्रतों को बधाइयाँ, इन सबको आप एक साथ लेके आगे बढ़ते हो, और आगे जितने भी समय में आपके साथ जुड़ा हूँ, आप सबके लिए माई सिंसियर गुड विशेस। खुश रहना, अच्छे रहना, काम करते रहना और हेल्थ का ख्याल रखना। थैंक यू दादा, थैंक यू। अच्छा दादा, एक छोटा, आप हेल्थ को, आप खुद इतना फिट है, आप इस उम्र में भी आप इतना हेल्थ कॉन्शियस है, आपको, आप नया जनरेशन को आप क्या एडवाइस देने चाहता है, हेल्थ क्या चीज़ होना चाहिए? देखिए, हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका हेल्थ ठीक रहेगा तो आप मन लगा के काम कर सकते हैं। और ये तो प्रोटीन ड्रिंक है, प्रोटीन हमारे हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट सही तरीके का प्रोटीन, सही मात्रा का प्रोटीन, तो उसका आप ध्यान रखना। एक चीज़ याद रखना, जितने भी आप प्रोटीन ले, कार्बोहाइड्रेट्स ले, जितने भी आप फैट कम करें, बॉडी को ठीक रखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है एक्सरसाइज और सही चीज़ खाना। हमारे देश में जो अच्छे खाने होते हैं ना, उसमें सब घी और मक्खन और तेल भरे रहते हैं। ये कहता है कि कुछ अच्छा होने के लिए घी और मक्खन और तेल की बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा उस पर ध्यान देना, अपना फिटनेस पे ध्यान देना। हर आदमी का, हर इंसान का अलग अलग फिटनेस होता है, उसी को आप मेंटेन करना। उम्र के साथ फिटनेस भी बदलता है, उसके ऊपर भी आप ध्यान देना। लेकिन दिन में 1 घंटा जितने भी आप काम करें, जितने भी आप सोशल लाइफ आपकी हो, दिन में 1 घंटा ज़रूर निकालना अपनी फिजिकल हेल्थ को संभालने के लिए। ये आपको लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू दादा। ये आपको समझ में आ रहा है, ये पूरा इंडिया से सब डिस्ट्रीब्यूटर लोग आया है। आप टीम, आप एक लीडर थे जो इंडिया को एक बनाया, जो टीम इंडिया वो सौरभ गांगुली नहीं बनाया, तो आप क्या सही है ना, मैं सही बोल रहा हूँ? तो टीम इंडिया था कहाँ? आप बोलिए, बाहर में जाकर फाइट कौन सिखाया? दादा ने सिखाया। तो आप इस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर है, आप टीम बिल्डिंग और लीडरशिप के लिए थोड़ा कुछ एडवाइस दे दीजिए। मैं जो बोल रहा था, जो छोटा समय मैंने आप लोगों के साथ बात की, मैंने कहा कि सुब्रत तो शायद इस ब्रांड का ओनर है, लेकिन ये ब्रांड आगे तभी बढ़ेगा जब आप एक साथ मिल के काम करोगे। और टीम बिल्डिंग और ब्रांड बिल्डिंग का यही सबसे खासियत है। मैन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, जो आप अपने टीम के साथ करते हैं। हर इंसान अलग होता है,
हर इंसान की चाहत अलग होता है, हर इंसान का काम करने का तरीका होता है, और जो अच्छे लीडर होते हैं ना वो सबको अपने तरीके से काम करने पे ही जोर लगाते हैं। आपने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा, उन्होंने एक लफ्ज़ कहा था जो मैं अभी भी याद रखता हूँ और मेरे हर काम में इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। वो उन्होंने कहा था कि यू हायर प्रोफेशनल्स फॉर देम टू टेल यू व्हाट टू डू एंड इट्स नेवर द अदर वे अराउंड। तो जो आप लोग जुड़े हैं इस ब्रांड के सामने, ब्रांड के साथ, कोई पंजाब से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई महाराष्ट्र से है, मैं यही कहूँगा कि आपकी जो एफर्ट, आपकी जो मेहनत, आप जो इस ब्रांड के लिए समय लगाते हैं, उसी से सुब्रतो का नाम, रेनेटॉस का नाम और इन इस ब्रांड के साथ जो जुड़े हैं, और तभी ये ब्रांड आगे बढ़ेगा। और मैं सुब्रतो को भी ये एडवाइस दूंगा क्योंकि वो लीडर है, वो लीडर है इस ब्रांड के। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, जो आपके साथ काम करते हैं उसको खुल के काम करने का मौका देना। हम हमेशा सोचते हैं कि हम कैप्टन हैं, हम लीडर हैं, हम मालिक हैं, जैसा मैं कहूँगा वैसे ही काम होगा, इट्स माई वे और हाई वे, ऐसे नहीं होता। कभी कभी आपको किसी भी आदमी को अपने जो अपने साथ जो रहते हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ है, अपने जो साथ खिलाड़ी हैं, उनसे कुछ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ओपन माइंड रहना बहुत ज़रूरी है, दूसरे को कंट्रीब्यूट करने देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तभी सोचते हैं कि ये ब्रांड हमारा भी है। हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि हम इम्पोज करते जाते। और सबको अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक मौका देना बहुत ज़रूरी होता है। दादा, अपना एक मोटिवेशनल स्टोरी सुने अबाउट शाहरुख खान, जेटा माने आमी विभिन्न जगह आमार प्रोग्रामे चालाई, जे शाहरुख खान सम्बन्धे आज के उन्नी सुपरस्टार एत बड़ो उनार सम्बन्धे आपनी किछु बोलेछिलेन, जदि सेई गल्पटा आरेकबार बोलेन। आमार जेटा भालो लेगेछिलो ओर काछे, जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे लगा अच्छा लगा उनके बारे में, उन्होंने मुझे 10-12 साल पहले मुझे एक बार कहा था कि जो अपनी काबिलियत है, जो चीज़ लेके आप पैदा होते हो उससे ही आपको अच्छा बनना है। हम ये सोचते हैं कि बाजू वाला ब्रांड अच्छा है, हमारे दूसरे दोस्त ज़्यादा पैसा कमाते हैं, हमारे जो दूर के रिश्तेदार हैं उसके पास ज़्यादा अच्छा चीज़ है, मेरे पास नहीं है। ऐसे सोचोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। भगवान ने आपको जो टैलेंट दिया है उसको मैक्सिमाइज करना ज़रूरी है। और मैं सचिन तेंदुलकर के साथ इतना क्रिकेट खेला हूँ, और एक दूसरे के साथ बैटिंग करते थे, दूसरे इन पे खड़े होकर बैटिंग करते थे। अगर मैं उनके जैसा बैटिंग करने की कोशिश करता तो शायद आधा रन भी नहीं बना पाता। तो मेरा ये था कि जो टैलेंट मेरे में है, जो मेरा गेम है, उसी में सबसे अच्छा बनना है। क्योंकि हर इंसान का, हर आदमी का टैलेंट, काम करने का तरीका, वर्क एथिक्स अलग होता है। और हम सबसे बड़े गलती करते हैं कि एक दूसरे को कॉपी करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, उसी में गलती हो जाती है। तो यही कहूँगा कि जो भगवान ने आपको दिया है, जो मेहनत करने की काबिलियत आपको दिया है, जो टैलेंट आपको दिया है, उसी में आप सर्वश्रेष्ठ बनिए। उसमें ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा फायदा होगा और आप जल्दी आगे भी बढ़ेंगे। थैंक यू। अभी मैं 5 क्वेश्चन लूंगा। कहाँ हैं आप? यस। तो तापस दा किछु जिज्ञेस करुन। तापस दा के दाओ माइक्रोफोनटा। तापस सर, तापस दा के दाओ, गुट्टे दादा के दाओ। दादा, लाइफे जखन एकटा मानुष भीषण भावे भेंगे पड़े, तो तारपरे सेई मानुषटा किभाबे से जीवने माने बाउंस ब्याक करबे, जस्ट दुई कथा जदि किछु बोलेन। देखो, ऊपर नीच सवार जीवने है, हर इंसान के लाइफ में ऊपर नीचे होता ही है। तो आपको सब लेके चलना पड़ेगा। कोई भी बड़ा कंपनी ऐसे बड़ा नहीं है कि जो हर क्वार्टर में 1000-1000 करोड़ की प्रॉफिट करता है, उनके भी क्वार्टर्स खराब जाते हैं। आप बॉक्सिंग रिंग देखे हो कभी? बॉक्सिंग रिंग में जो बॉक्सर लड़ता है वो मार भी खाता है, गिरता भी है, लेकिन वो उठ के आता है फिर दूसरे को मारने के लिए। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर नीचे होगा, हर दिन आप 100 रन बनाएंगे नहीं, आप 100 भी बनाएंगे, 0 भी बनाएंगे, फिर अगले दिन से फिर 0 से आपको शुरू करना है। तो ये चीज़ में आपको यूज्ड टू होना ज़रूरी है कि हर दिन नया है, हर दिन में जीत नहीं होगी और हर दिन में हार भी नहीं होगा। तो उसी माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू दादा। सर, और एक दादा, मैं गुरतेज पंजाब से।
और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज भी आपके बहुत सारे फैन हैं, बने ही रहेंगे, और हम ऐसा क्या करें कि हमारे भी ऐसे फैन बने रहें जो हमारे फॉलोअर हैं? फैन समय के साथ बढ़ता है, आप भी 25 साल काम करिए, आप भी 25 साल के बाद इस ब्रांड को इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड बनाइए, आपके भी फैन बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो हर चीज हर चीज हर सफलता उसके लिए सबको 10 किलो कम करना पड़ेगा। तो यही कहता हूँ कि फैंस सक्सेस समय के साथ होता है। हम सोचते हैं कि हमको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए, 2 मैच खेल के 3 मैच खेल के 2 साल बिता के हम किसी बड़े खिलाड़ी के जैसे बन जाए, वो ऐसा नहीं होगा। तो आपको हर साल हर समय हर दिन अच्छे करने पड़ेंगे, तभी जाके 10-15 साल के बाद आपके फैंस बनेंगे। लास्ट टू क्वेश्चन हम लोग का टाइम बहुत शॉर्ट। रमेश वर्मा जी का पास। रमेश वर्मा जी सर, चैलेंजिंग सिचुएशन में सेल्फ टॉक क्या होता है और सेल्फ टॉक कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके बारे में, सेल्फ टॉक के बारे में अपने आप को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं? सेल्फ टॉक तो ठीक है, लेकिन चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। आप जब मार्केट में जाते हो तो पहले से तैयारी करके जाते हो ना कि आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके प्राइस कितने हैं, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसा है, उसी हिसाब से आपको आप तैयारी करते हो। आप सीधा मार्केट पर पहुँच जाओगे बिना तैयारी का तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। जो खिलाड़ी, जो विराट कोहली हो या तेंदुलकर हो, जो इतने रन बनाए हैं भारत के लिए, उन्होंने उससे ज़्यादा मेहनत ग्राउंड के बाहर की है, ट्रेनिंग में, फिटनेस में, नेट प्रैक्टिस में, जिससे कि तैयारी होती है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप अगर तैयार होके जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप सफल ही रहोगे, उस चीज़ पे ध्यान रखना। थैंक यू। सुमंत दा अपना कुछ जिज्ञेस करते दीजिए, मैचदार सुमंत दे प्लीज बोलूँ कि जानते जान। थैंक यू दादा। मैं बोल रहा हूँ कि आप दिल्ली में भी थे, मैं भी था, और कोलकाता में भी आप है, मैं भी हूँ। आपको क्या खूबियाँ लगा रेनेटस में? सबको देखे है, आप वहाँ पर भी देखे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं, क्या खूबियाँ लगा? मैं एक चीज़ देखता हूँ कि हर साल सब मिल के आते हैं और सबके फेस में ना स्माइल है। मैं आपके डीलर से भी मिला हूँ, कहीं कहीं को मैंने अवार्ड दिया जिस स्टेज में। मैं ये देखता हूँ कि लोग हंस के स्टेज में आते हैं और जाते अपना अवार्ड लेके हंस के, इसका मतलब वो खुश है अपने काम से। देखिए, एक दिन में तो आप सबसे बड़ा कंपनी बनेंगे नहीं, आपको 20-25 साल देने पड़ेंगे बड़ा कंपनी बनने के लिए। तो शुरुआत है, तो शुरुआत अच्छी हुई है और समय के साथ ही आगे बढ़ता रहेगा। सर लास्ट एक लेडीज है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग को निकलना होगा। लास्ट क्वेश्चन। Thank you so much, sir. Thank you so much for giving this opportunity, sir. Here I am, sir. Here, Rajshri Bhattacharya, sir. Sir, here, sir. Thank you so much, sir. Sir, मेरी सर आपसे ये क्वेश्चन है, और हम शायद जितनी औरतें हैं यहाँ, लेडीज़ है, सबके तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी सर कि लेडीज़ तो हर जगह आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर जब मार्केटिंग की बात आती है, जब बाहर चल के कुछ करने की बात आती है, तो कई बार कई सारी लेडीज़ पीछे चली जाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? क्यों जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। तो यदि आप हाल ही में सुने होंगे वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात होती है, मैं तो समझता हूँ लेडीज़ और गर्ल्स, मेरी भी एक बेटी है जी, लेडीज़ और गर्ल्स को आगे बढ़ना ज़रूरी है और सब तरीके से उनको हेल्प करना ज़रूरी है, सब तरीके से उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है जिससे कि आगे बढ़े जी। और मेरे बहुत बहुत सारे दोस्त रहे हैं जो बड़े बड़े कंपनीज़ में एकदम टॉप पोस्ट में रहे हैं और वो लेडीज़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लेडीज़ को ना एक सिंसियरिटी है, एक काम करने का तरीका होता है और वो जेन्युइन होते हैं। तो मैं समझता हूँ, तो जिसने आपको रोका है उसको बोलिए मुझे रोकना नहीं है, आगे बढ़ना है। बिल्कुल, ग्रेट क्लैप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। धामाजी, दीपक धामाजी हैं? हाँ, यहाँ पे है सर मेरे पास। दीपक धामाजी, इजी आप दादा को कुछ पूछिए। राजस्थान से। राजस्थान। दादा, हम तो यही चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें बना रहे हैं, कम से कम साल में 2 बार हमें आप वादा कीजिए कि आप हमें आशीर्वाद देंगे, रिश्ते से मिलते रहेंगे। इस ब्रांड को हम इंडिया का नहीं,
वर्ल्ड का नंबर वन बना देंगे, रॉकिंग ग्रेनाडास। थैंक यू, जरूर मिलेंगे आपसे, जरूर जरूर मिलेंगे। थैंक यू। अभी हम लोग का टाइम का बहुत सर लास्ट सर यूथ के लिए कुछ मैसेज सर, सेल्स में यूथ बहुत आ रहा है, गाड़ी रेडी करो, यूथ के लिए कुछ मैसेज दीजिए दादा प्लीज। जाते जाते आप सबके लिए जैसा मैंने पहले कहा, सबके लिए शुभकामनाएं, आपका ये साल अच्छा जाए। और एक चीज़ कहूँगा कि मेहनत करें तभी आगे बढ़ोगे, ये हमेशा याद रखना। कोई भी इंसान बिना मेहनत का आगे बढ़ा नहीं है, तो मेहनत करना, समय देना और इस ब्रांड को आगे लेके जाना। थैंक यू। हमें एक है करा है, यूं ही आगे बढ़ते रहे, रेनेडस वेलनेस के साथ यूं ही चलते रहे, रेनेडस जिंदगी है, रेनेडस ही खुशी है, रेनेडस